कैपिटल एम निकालने का तरीका क्या बताया, करंट कैरिंग वायर में करंट इंटू एरिया बताया, ठीक हो गया। जब ये बात बता रहा था तो एक स्टूडेंट बैठा, वो कहता सर मेरे को एक और ख्याल आ रहा है। मैंने कहा क्या? वो कहता देखो करंट कैरिंग वायर का कैपिटल एम होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो कैपिटल एम तो होगा। वो कहता मैं केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ ना, तो उसमें लाखों करोड़ों एटम है, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो होंगे किसी शेल में, वो भी तो घूम रहे हैं। और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भी तो कुछ करंट जनरेट करता होगा, चाहे बहुत ही छोटा करता है। हाँ तो करता है, तो वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता होगा केमिस्ट्री में। हाँ बिल्कुल करते हैं, एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से। तो अगर इलेक्ट्रॉन की घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो एटम भी तो मैग्नेटिक तरह काम करता होगा, और अगर वो काम करता है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होता होगा, मुझे वो निकाल के दिखाओ। तो यानी कि ये बात सुन के वो स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का घूमना करंट जनरेट करना, इट इज एक्टिंग लाइक अ करंट कैरिंग वायर, उसका कैपिटल एम जनरेट करके दिखाओ। तो फिर अगला टॉपिक क्या बना, अगला टॉपिक बना इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ वी एक एटम के अंदर, तो वो करंट कितना जनरेट करेगा चार्ज अपॉन टाइम। एक चक्कर वो कैपिटल टी टाइम में काटता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है स्मॉल ई, तो करंट इज इक्वल टू स्मॉल ई बाई कैपिटल टी, ये करंट है। तो यहां से करंट आ गया, और करंट की वैल्यू में कैपिटल टी क्या है, एक चक्कर का डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वी, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम पीरियड। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ये करंट की वैल्यू आ गई। और उस स्टूडेंट ने लेक्चर सुना हुआ था कि अगर करंट मालूम है एक लूप में और रेडियस आर है जिसमें सर्कल में ये घूम रहा है, तो एरिया कवर्ड कितना है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं करंट इनटू एरिया कर दूं इलेक्ट्रॉन का तो मेरे पास कैपिटल एम आ जाएगा, आर से आर पाई से पाई कैंसल, आंसर फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो। ये सीबीएसई में आता है प्रूव करने को कि डायपोल मोमेंट किसका निकालने को कहेगा, करंट कैरिंग वायर का, तो याद ही कर लो करंट इनटू एरिया। डायपोल मोमेंट कहेगा इलेक्ट्रॉन का निकालने को बोलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा ई वी आर बाई टू। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमेगा वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक, ई वी आर बाई टू। तो ये डायपोल मोमेंट आ गया। अब यहां तक भी ठीक था, चलो समझ में आ गया, करंट कैरिंग वायर की तरह किसने बता दिया इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसका भी डायपोल मोमेंट है। यहां पर एक प्लस वन का स्टूडेंट बैठा है, वो कहता है जी मुझे रोटेशनल मोशन याद आ रहा है, और रोटेशनल मोशन में सिखाया गया था जब एक पार्टिकल घूमता है पॉइंट चार्ज सर्कल में, पॉइंट चार्ज ओनली, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी होगा, तो एल इज इक्वल टू एम वी आर, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से वी आर की वैल्यू क्या आ गई, एल अपॉन एम ई। ऊपर के रिजल्ट में वी आर की जगह एल बाई एम ई पुट किया, फॉर्मूला आ गया कैपिटल एम का इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई। अब बात ये भी खत्म हुई, तो कोई बोला सर मुझे वेक्टर आते हैं, मैंने कहा तो कहता एल इज द वेक्टर क्वांटिटी, एम इज द वेक्टर, तो वेक्टर लगाओ। जैसे वेक्टर लगाया तो साइन नेगेटिव लगाना पड़ गया। अब कोई पूछा नेगेटिव क्यों लगाया आपने, क्योंकि एल वेक्टर और एम वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। कोई बोला ऐसे कैसे ऑपोजिट होती है, प्रूव करके दिखाओ। तो देखो दो मिनट में प्रूव हो गया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, किसी भी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन की घूमने की ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी वेक्टर, और ये इसका आर वेक्टर है एक्सिस से, क्योंकि इसका एक्सिस सेंटर है ना, आर वेक्टर, वी वेक्टर, वी वेक्टर का मतलब पी वेक्टर। एल वेक्टर का फॉर्मूला प्लस वन में क्या था, आर क्रॉस पी, ये आर ये पी, हाथ रखो आर क्रॉस पी। तो एल वेक्टर कहां आया, ऊपर, एल वेक्टर ऊपर आएगा, राइट right? तो आर क्रॉस पी से एल वेक्टर ऊपर आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे तो करंट कैसे घूम रहे, ऐसे घूम रहे, और अभी रूल सिखाया करंट के साथ अपनी चार फिंगर घुमाओ, एम वेक्टर कहां आएगा, नीचे। तो प्रूव हो गया कि एम वेक्टर नीचे और एल वेक्टर ऊपर। खैर आपसे पूछेगा नहीं कोई, सीधा याद करना है, एल वेक्टर एम वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, सही है। तो कैपिटल एम क्या निकला, डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा किसी ऑर्बिट में तो वो भी मैग्नेटिज्म जनरेट करेगा, और वो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना जनरेट करेगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई,
फिर केमिस्ट्री पढ़ के आ गए लोग, वो बोलते हैं मेरे को केमिस्ट्री टीचर ने बताया कुछ। मैंने कहा क्या? कहते तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है ना किसी शेल के अंदर तो एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। केमिस्ट्री के लोग पढ़ाते हैं ना NH/2π, तो कहते हैं एल की जगह पुट कर दो NH/2π, वेर एन इज कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इस फॉर्मूले में एल की जगह NH/2π, ये लो ये बना फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम इलेक्ट्रॉन किस शेल में घूम रहे हैं, शेल नंबर 1, 2, 3 तुम यहां पुट कर लेना, उस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन का कैपिटल एम आ जाएगा। तो ये कैपिटल एम का फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा। क्या ये आइडिया समझ में आ रहा है इसमें? अब एक टर्म शायद आपने केमिस्ट्री में सुनी हो, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। कितने लोगों ने सुनी है केमिस्ट्री में ऐसा कुछ सुना है ये वर्ड? क्या क्या होता है ये बोहर्स मैग्नेट्रॉन? ठीक है, केमिस्ट्री वाले बोले हमें ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन करने की बड़ी आदत है, हम हर चीज को पढ़ते हैं और साथ में हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर केमिस्ट्री वाला कहता है एक काम करो मुझे डायपोल मोमेंट निकाल के दिखाओ। मैंने कहा किसका? कहता हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर 1 में। तो मैंने कहा इसमें क्या करना है, यहां 1 पुट कर दे, या जैसे ही 1 पुट करेगा तो तेरे पास कैपिटल एम आ जाएगा। तो उसने यहां 1 पुट कर लिया, कैपिटल एम आ गया। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट को बोहर्स इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। तो बोहर्स मैग्नेट्रॉन कुछ नहीं है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है किसी भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर 1 में। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, वैसे बता दिया। और इसका सिंबल म्यू है, एम नहीं लिखते। ये होता है बोहर्स मैग्नेट्रॉन।